वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। साइमल्टेनियस लीनियर इक्विन पे वीडियो का अपलोड इन प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 4, 1/5 ऑफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 24 डिग्री एंड हाफ देयर डिफरेंस इज 14 डिग्री, कैलकुलेट टू एंगल्स। सबसे पहले हम करेंगे जी लेट फर्स्ट एंगल। इज एक्स लेट सेकेंड एंगल इज वाई। नाउ एज पर कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन 1/5 ऑफ द सम ऑफ टू एंगल्स, सबसे पहले आप इन दोनों एंगल का सम फाइंड करेंगे। इट इज एक्स प्लस वाई, दोनों एंगल का सम हो गया, इज इक्वल टू 24 है, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। और साथ में जो नेक्स्ट कंडीशन है 1/5, आप अपने इस एंगल का जो कि सम आपके पास आ चुका है ये 1/5 फाइंड करेंगे। लाइक दिस ये हो जाएगा 1/5, ये आपके पास इक्विन 1 है। और जबकि सेकेंड इक्विन द हाफ देयर डिफरेंस, जिसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले आप इसका डिफरेंस निकालेंगे। एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 14 डिग्री है और इसका आपने हाफ करना है तो इट विल बी 1/2। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए ये इक्वन 1 सेकेंड है आपका, ये 5 जो है दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 24 के साथ। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 4 20, 2 कैरी होंगे और 5 2 10 और 2 12 120 हो जाएगा ये इसका मल्टीप्लिकेशन के बाद प्रोडक्ट। और उसके बाद ये जो 2 है ये दूसरी तरफ जब जाएगा तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 14 2 28। अब इसको आप मार्क कर सकते हैं इक्वेशन 3 और दिस हो जाएगा दिस वन आपका इक्वेशन 4th। अब देखें ये एक स्टैंडर्ड में आपके पास इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 120 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 28। इन दोनों को अब आप सम अप करेंगे तो इसमें आपका y कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको वैल्यू ऑफ x मिल जाएगा। अब लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। ये मैं यहीं पे इसको शो कर देता हूँ, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल आउट। y और y बीइंग पॉजिटिव और नेगेटिव 1x और 1x इट विल बी 2x इज इक्वल टू 120 और 28। जब सम अप होंगे तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा 148। अब आपने आंसर फाइंड करना है x का, ये हमारे पास 2x इज इक्वल टू 48 हैं, 2 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये जाके डिवाइड हो जाएगा x इज इक्वल टू 148/2। तो x इज इक्वल टू 2 7 14 और 2 4 8, द वैल्यू ऑफ x इज 74। अभी हमने वैल्यू ऑफ y फाइंड करना है, तो इसका रूल ये होता है कि आप जब एक वैल्यू आपके पास आ जाए तो उस वैल्यू को किसी भी गिवन इक्वेशन के अंदर आप प्लग कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 120 है, इक्वेशन 3 है, इसमें आप वैल्यू को रिप्लेस कर दें। पुटिंग वैल्यू ऑफ
एक्स इन इक्वेशन थ्री, इट इज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 120। एक्स आपके पास 74 है, 74 प्लस वाई इज इक्वल टू 120। अब 74 को दूसरी तरफ आप शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे ये ऐड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू 120 माइनस 74। देन वाई इज इक्वल टू 120 से आपने 74 को सब्ट्रैक्शन करना है, इट विल बी लाइक दिस। तो ये हो जाएंगे 10, 10 में से आप 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, और ये अगेन 11 हो जाएंगे, 1 कैरी करना पड़ेगा, और 11 माइनस 7 द आंसर इज 4। 46 इज द वैल्यू ऑफ y, इसको मैं बॉक्स कर रहा हूँ ताकि ये प्रोमिनेंट वैल्यू आपको हेल्प करता है आंसर को आइडेंटिफाई करने में। ये दो नंबर, दो एंगल्स का हमने बेसिकली करना था, फाइंड करने थे एंगल्स का, कैलकुलेट कर कैलकुलेशन करना थी। इसमें से एक एंगल हमारा 74 है और दूसरा एंगल हमारा 46 है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर करें और मेरे वीडियो का अपने फ्रेंड्स के साथ शेयरिंग भी कीजिए। अगर आपको किसी किस्म का वीडियो में मसला हो या अगर आप अपनी चॉइस का कोई वीडियो अपलोड करवाना चाहें तो उसके लिए मेरा सेल नंबर नोट कर लीजिए, दैट इज़ 0321 58 38 264। और ये मैं बताता चलूँ कि यूनिक स्टाइल ऑफ टीचिंग के नाम से मेरा फेसबुक ग्रुप भी है, फेसबुक पेज भी है, और इसी नाम से यूट्यूब चैनल भी है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और मेरे पेज को लाइक कर दें और मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर दें ताकि मेरा हर आने वाला वीडियो आप तक टाइमली पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।